दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी चेस्ट को चौड़ा करना चाहते हैं, यानी कि अपनी सीने को बड़ा करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको घर पर ही अपने चेस्ट को मस्कुलर बनाने की कुछ ऐसी बेहतरीन एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसको करने से आपकी चेस्ट काफ़ी जल्दी मस्कुलर बन जाएगी। तो दोस्तों, चेस्ट की एक्सरसाइज बताने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि चेस्ट के कितने मसल पार्ट होते हैं, जिससे कि एक्सरसाइज करते वक्त हम उस मसल पर अच्छी तरह से फोकस कर पाएँ, जिससे हमें एक्सरसाइज का पूरा बेनिफिट भी मिल पाए। तो आइए जानते हैं चेस्ट के कितने मसल पार्ट होते हैं। दोस्तों, हमारी चेस्ट मसल के 5 पार्ट होते हैं, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट, इनर चेस्ट और आउटर चेस्ट। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चेस्ट के कितने मसल पार्ट होते हैं। तो अब बात करते हैं चेस्ट के सभी मसल पार्ट के एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों, किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले 5 से 10 मिनट का वार्म अप जरूर करें, जिससे कि आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए तैयार हो सके। एक्सरसाइज नंबर 1, फ्लोर प्रेस। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को आप बॉटल में पानी भरकर या फिर बैग की सहायता से परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी ओवरऑल चेस्ट ट्रेन होती है। इसके आपको 3 सेट लगाने होते हैं और हर सेट में 12 से 10 तक का रेपिटेशन जरूर रखें। एक्सरसाइज नंबर 2, इंक्लाइन पुशअप। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में भी आप अपने हाथों को किसी ऊंची जगह पर रखकर पुशअप लगाएं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी लोअर चेस्ट काफी जल्दी बनने भी लगती है, जिससे आपकी चेस्ट का साइज काफी जल्दी से इंक्रीज होता है। इसके आप 3 सेट लगाएं और हर सेट में 10 से 12 तक का रेपिटेशन निकालने की कोशिश जरूर करें। एक्सरसाइज नंबर 3, डिक्लाइन पुशअप। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में आप अपने पैरों को किसी ऊंची जगह पर रखकर कुछ इस तरह से पुशअप लगाएं, जिसको करने से आपकी अपर चेस्ट का साइज काफी जल्दी बढ़ने लगता है। इसके आपको लगाने होते हैं 3 सेट और हर सेट में 10 से 12 तक का रेपिटेशन जरूर रखें। एक्सरसाइज नंबर 4, बॉटल चेस्ट फ्लाई। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 2 बॉटल की जरूरत पड़ेगी। उन बॉटल्स में पानी भरकर कुछ इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। ये एक्सरसाइज आपकी आउटर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए एक काफी बढ़िया एक्सरसाइज है। इसके 4 सेट लगाएं और हर सेट में 10 से 12 तक का रेपिटेशन जरूर रखें। एक्सरसाइज नंबर 5, हाई बॉटल फ्लाई। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को भी आप बॉटल या फिर ईंट की सहायता से परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करते वक्त सारा लोड आपके अपर चेस्ट पर पड़ता है, जिससे चेस्ट चौड़ी और मस्कुलर बनती है। इसके 3 सेट लगाएं और हर सेट में 10 से 12 तक का रेपिटेशन जरूर रखें। एक्सरसाइज नंबर 6, डायमंड पुशअप। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करते समय आप अपने हाथों को अपनी चेस्ट के बीचों बीच रखें और डायमंड की शेप बनाकर कुछ इस तरह से पुशअप लगाएं। ये एक्सरसाइज आपके इनर चेस्ट के लिए एक काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इसके 3 सेट लगाएं और हर सेट में 10 से 12 तक का रेपिटेशन जरूर रखें। इसके साथ साथ ये आपके ट्राइसेप्स के लिए भी एक काफी बढ़िया एक्सरसाइज है। तो दोस्तों, ये थी चेस्ट की सभी मसल्स की वर्कआउट पर वीडियो। अब आप खुद डिसाइड करें कि आपके चेस्ट की कौन सी मसल ज्यादा वीक है, तो उस मसल पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। तो दोस्तों, ये थी वीडियो चेस्ट वर्कआउट पर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बैक का होम वर्कआउट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टिल देन, बाय बाय।